नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और होली त्योहार के मद्देनजर गांव सकरेडी शेख में प्राथमिक विद्यालय में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। थाना देहात कोतवाली SSI ज्ञानेंद्र सिरोही, पुवार का चौकी इंचार्ज मनोज कुमार ने आगामी पंचायत चुनाव, होली के त्योहार और शबे बारात को लेकर थाना देहात कोतवाली के गाँव सकरेडी शेख गाँव वासियों के साथ मीटिंग का आयोजन किया और आगामी पंचायत चुनाव, होली त्योहार सहित अन्य त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की और पंचायत चुनाव में क्षेत्र में अवैध शराब, शरारती तत्वों और माहौल खराब करने वालों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि होली का त्योहार आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाएं और शराब पीकर हुड़दंगबाजी ना करें। चौकी प्रभारी ने ऐसे लोगों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि अगर आपको लगता है कि कोई भी क्षेत्र में शराब, जुआ, सट्टा या अवैध कारोबार के साथ माहौल खराब करने का काम करता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश गिरफ्तार किया गया है। वहीं मौके से एक मोटरसाइकिल, तमंचा और खोखा कारतूस बरामद किए गए। मामला बेहट कोतवाली क्षेत्र के गांव लोदीपुर के जंगल का है, जहां पुलिस और SOG की संयुक्त टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया, जिसके पास से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, तमंचा और खोखा कारतूस बरामद किए हैं। यह थाना बेहट क्षेत्र में एक सूचना मिली थी मुठभेड़ की, जो ये घटनाएं हो रही हैं, अभी कुछ दिन पहले कोतवाली देहात में भी घटना हुई और बेहट में भी एक दो घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि कुछ अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों द्वारा लूटपाट की घटनाएं की गई हैं। उसी में हम लोगों द्वारा चिन्हित किए गए थे और कुछ लोगों को मुखबिर ने आज ये सूचना दी कि ये लोग फिर लूट की उससे लूट करने के इरादे से ये लोग इधर आ रहे हैं। तो उसी पर हमारी पुलिस जो है और SOG टीम इनकी तलाश में वहीं पर अपनी सटीक सूचना पर लगी हुई थी, तभी ये लोग हम मोटरसाइकिल पर आए और ये जब पुलिस के रोकने पर ये लोग इधर ननौली रोड की तरफ भागे। ननौली रोड पर इनकी बाइक जो है फिसल गई और ये तीनों जो है भागे, जिसमें से एक को हमारी टीम ने जो है दबोच लिया और उसने जब उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने फायर किया, जिसमें कि जवाबी फायरिंग में उसके एक उसकी गोली लगी है। बाकी दो जो है हमारे हाथ से ये भागने में कामयाब रहे, जिसको कि हम कॉम्बिंग ऑपरेशन वगैरह कराया, कॉर्डन कराया, अभी भी कॉर्डन करा रहे हैं, कॉम्बिंग करा रहे हैं और इसमें जो है उनको भी हम पकड़ लेंगे जल्दी। सर, जो पकड़ा गया है उसका कोई आपराधिक इतिहास? ये जो पकड़ा गया है ये वहीं का रहने वाला है, अकरम इसका नाम है और इसका इसके पास इसके आपराधिक इतिहास भी हैं। ये पहले भी मुकदमों में ये रहा है और अभी भी ये लगातार घटनाएं कर रहा था। सहारनपुर की रिजर्व पुलिस लाइन में द्वितीय चरण के यातायात का प्रशिक्षण ले रहे पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण का समापन हुआ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चनप्पा के द्वारा पुलिस कर्मियों को यातायात सर्टिफिकेट देकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि जनपद में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाने हेतु यातायात निदेशालय उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में रिजर्व पुलिस लाइन सहारनपुर में यातायात का प्रशिक्षण ले रहे मुख्य आरक्षी आरक्षियों का द्वितीय चरण का यातायात प्रशिक्षण समाप्त हो गया, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चनप्पा के द्वारा यातायात का प्रशिक्षण ले रहे पुलिस कर्मियों को यातायात सर्टिफिकेट प्रदान करते हुए यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर।